हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा दंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लेके आए हैं वेजिटेबल राइस। बनाने में बहुत ही आसान है और राइस तो सभी के बहुत फेवरेट होते हैं, तो आइए वेजिटेबल राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है एक कटोरी बासमती राइस। इसको हम बाउल में डाल देंगे और अच्छी तरह से धो लेंगे। चावल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और देखिए इसको पानी डाल के इस तरह से रख दिया है ताकि जो चावल है वो थोड़ा सा फूल जाएगा। आइए तब तक हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ली है एक गाजर जो मीडियम साइज में हमने कट कर ली है। आप चाहें तो इसको लंबे लंबे साइज में भी कट कर सकते हैं। साथ ही हमने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, ये भी बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़े से हमने हरे मटर लिए हैं, ये छील के रखे हैं। हमने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो लीजिए वरना स्किप कर दीजिए। एक हरी मिर्च ली है हमने, इसको लंबे साइज में कट करके रखा है। साथ ही हमने लिए हैं थोड़े से खड़े मसाले। इसमें हमने ली है 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 8-10 काली मिर्च, और साथ ही हम ले रहे हैं 2 तेज पत्ते। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने लिया है 1/2 चम्मच जीरा। जीरा डाल देंगे, साथ ही जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम डाल देंगे आलू, गाजर, अब हम डाल देंगे मटर और जो हमने हरी मिर्च काट के रखी है वो भी हम डाल देंगे। सभी सब्जियों को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, इसमें नमक अच्छा लगता है क्योंकि और भी मसाले तो डलते नहीं हैं, तो हमने यहाँ पे नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है। अब जो हमने चावल धो के रखा है उसको भी हम सब्जियों के साथ डाल देंगे। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं और हमने चावल का पानी निकाल के चावल भी डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इनको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हमें चावल को सब्जी के साथ में मिक्स करना है। चावल का दाना हमारा टूटना नहीं चाहिए। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम हरा भरा, कितना बढ़िया हमारा पुलाव बनके तैयार होगा। बहुत ही लुकिंग में सुंदर लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिया था, उसी कटोरी से मैंने पानी इसमें डाला है। लगभग 2.5 कटोरी के आसपास मैंने पानी डाल दिया है। इसी तरह से अभी हमें चावल को पकाना है, बॉईल होने देना है पानी को। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लेकर के आप इस तरह से और टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब हम इस स्टेज पर अपने ड्राई फ्रूट जो हमने तैयार करके रखे हैं ये डाल देंगे और साथ ही पनीर भी डाल देंगे। सभी चीजें हमने डाल दी हैं, गैस के फ्लेम को हमने कम कर दिया है। आहिस्ता से एक बार हम चावल को इस तरह से मिला देंगे ताकि पनीर और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें मिक्स हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो बीन्स, फूल गोभी या मशरूम, जो भी आपको सब्जियां पसंद हो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। देखिए मैंने गैस के फ्लेम को कम कर दिया है और अब हम इस पर लिड लगा देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा पुलाव बनके तैयार हुआ है। 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि जो हमारे चावल हैं ये आपस में चिपके नहीं, खुले खुले बने, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मिक्स कर देंगे। अभी हमारा जो चावल है ये लगभग 80% के आसपास पका है, इसलिए हम वापस से लिड लगा देंगे। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया से हमारा वेजिटेबल राइस बनके तैयार हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है और चावल भी पूरी तरह से पक चुका है। आइए वेजिटेबल राइस को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। वेजिटेबल राइस को आप शाही पनीर, दाल मखनी या मटर मशरूम के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए हमने वेजिटेबल राइस को सर्व कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
फ्रेंड्स आप वेजिटेबल राइस बनाइए, टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स हमसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए।